मिर्चापुर के छापेहेड़ा नगर के प्रखर कॉन्वेंट स्कूल में जहरीली गैस के रिसाव के बाद करीब 15 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। दरअसल स्कूल के पास ही हॉस्पिटल की लैब है और लैब से गैस के रिसाव के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने की बात सामने आई है। दरअसल कक्षा चौथी में अध्ययनरत करीब 15 बच्चों का स्वास्थ्य उस समय खराब हो गया जब क्लासरूम में लगे वेंटिलेशन जो हॉस्पिटल की लैब की तरफ है वहां से बदबू आने लगी और इसके बाद बच्चों को सिर दर्द, घबराहट और चक्कर आने लगे। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां सभी की हालत में सुधार है। धुआं निकला था, किधर से आया था धुआं? खिड़की की तरफ से। फिर क्या हुआ आपको? सिर दर्द करने लगा। बेहोश भी हो गया था कोई बच्चे? स्कूल में पानी वगैरह की व्यवस्था होती है? पानी है भरा हुआ? अच्छा, पीने का साफ स्वच्छ पानी? बच्चों की सबकी छुट्टी कर दी। ऐसा कोई गंभीर बच्चा नहीं था जिसको इलाज के लिए आगे पहुँचाया हो। सामान्य जो दवाई रहती चक्कर की और सर दर्द की, उसी से सभी बच्चे ठीक हो। वहीं स्कूल प्रबंधक ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे जैसे ही टीचर को भनक लगी, कुछ बदबू सी आई, तो वो मेरे पास आया कि सर कोई बदबू आ रही है। तो मैंने आसपास बाहर जाके देखा कि कहीं कोई बीड़ी का धुआं या किसी और चीज का धुआं तो नहीं आ रहा है, कहीं से धुआं महसूस नहीं हुआ। और कुछ समय बाद बच्चों को चक्कर आने लग गए, तो जो हॉस्पिटल तरफ जो खिड़की खुलती है, वेंटिलेशन खुलता है, वहां से कोई गैस या धुआं या कोई ऐसी एलर्जिक बदबू वहां से आई, जिससे कि बच्चों को चक्कर आने लग गए और वो सिर दर्द करने लग गया। तो तुरंत उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया और यहां डॉक्टरों से उपचार करवा के सबको अपने अपने घर। आपको कैसे पता चला गैस आई थी उधर? सर बच्चों ने बताया कि क्लास में बदबू आ रही है। वो बदबू तो बाहर से आई है, स्कूल तो काफी समय से लग रहा है, बच्चे सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, तो अचानक से 10:30 बजे बाद ही क्यों बच्चों की तबीयत खराब हुई? वहीं अधिकारियों ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। ऐसे ही मुझे खबर लगी, मैं निर्वाचन कार्य से फील्ड में था, मतदान केंद्रों का चेकिंग कर रहा था, और जैसे मुझे पता लगा कि 28-30 बच्चे प्रखर स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में बीमार हो गए, तुरंत अस्पताल पहुंचा और मैंने वहां बच्चों से पूछताछ करी। उन्होंने बताया कि सिर दर्द और चक्कर जैसी शिकायत हुई थी और लगभग सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद में चिकित्सकों द्वारा इलाज करके उनको रेफर घर पे भेज दिया है वापस। और अभी मैंने वहाँ का मौका मुआयना किया है स्कूल के आसपास का, और स्कूल में जिस कमरे में बच्चे बैठे हुए थे एक स्कूल में, वहाँ पे मुझे वेंटिलेशन का अभाव दिखा और उसमें कमरे में कुछ कचरा टाइप का डला हुआ था, आसपास भी कुछ कबाड़ी में अतिक्रमण करके और वहाँ पे गंदगी फैला रखी है, नालियों में भी कुछ पानी भरा हुआ है, आसपास है जो मटन वटन की दुकान है जिससे भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रदूषण फैला हो। और चूंकि गर्मी पहली बार बढ़ी है, अभी प्रकोप शुरू हुआ है और उसमें बच्चों के घुटन के कारण ऐसा हो सकता है। मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए अधिकारी मामले में गंभीरता से जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं।